नमस्कार। तो आप देख रहे हैं आरआरके न्यूज चैनल। ग्राम पंचायत इमलहा में रोजगार सहायक सरपंच और सचिव सेक्रेटरी द्वारा दिया गया भ्रष्टाचार। ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों को अपने घरों में जाने के लिए गंदे कीचड़ वाले रास्ते से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। नालियों की समस्याओं को लेकर राणा सिंह बुंदेला जी कहा, ग्रामीणों लोग है परेशान, सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा नालियों की आड़ में किया गया भ्रष्टाचार। ग्राम पंचायत इमलहा में जगह जगह सड़कों पर पानी कीचड़ भरा हुआ पड़ा है। ग्राम पंचायत इमलहा में आए दिन लोग रास्ता ना होने के कारण गंदे कीचड़, बच्चे लोग गिरते फिसलते हुए घर पहुंचते हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत इमलहा की स्वच्छता अभियान के तहत नालियों जिसमें निकलने में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी, ग्राम वासियों को अड़चने पैदा हो रही हैं। स्वच्छता अभियान के तहत सरकार नारे लगा रही है कि सर्व स्वच्छता अभियान के तहत जो पंचायत नंबर एक पर आती है उस पंचायत को शासन की ओर से इनाम दिया जाता है। ग्राम पंचायत इमलहा में स्वच्छता अभियान के तहत नालियों की आड़ में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में कोविड-19 तीसरी लहर को लेकर इमलहा पंचायत में गंदे कीचड़ नालियों की समस्या को लेकर लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सर्व शिक्षा सर्व स्वच्छता अभियान का किसी भी राशि का दुरुपयोग न किया जा करके सदुपयोग किया जाए। यदि इसी प्रकार की समस्याएं बनी रहे तो हम ग्राम वासियों को अधिक से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि तत्काल CEO राजनगर मौके पर आकर माननीय कलेक्टर महोदय इस पर नजर करें जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।